17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान कराए जा रहे हैं। 5वें चरण के लिए होने वाले प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग कराई जानी है। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी रोड शो करने वाली है। अमेठी में अमित शाह तो रायबरेली, फूलपुर और प्रयागराज में सनी देओल बीजेपी के लिए रोड शो करेंगे। वही प्रियंका गांधी अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगी। 5वें चरण का आपको बता दें, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी आज यूपी में 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पहली बार पीएम प्रतापगढ़ के बेलहा में अपनी चुनावी ताल ठोकेंगे। वहीं बस्ती में पीएम का दौरा प्रस्तावित है। अमित शाह कांग्रेस के गढ़ अमेठी में होंखार भरेंगे, तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ आज यूपी के 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम प्रतापगढ़, फैजाबाद, कैसरगंज और मोहनलालगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन 2019 के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, और जिसके चलते आज सपा अध्यक्ष कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले बहराइच पहुंचेंगे, जहां वो गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर बाल्मीकि के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे, जिसके बाद सपा अध्यक्ष गोंडा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ताबड़तोड़ रैलियों का आज दिन है। 5वें चरण के लिए आपको बता दें, प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा, और इसके साथ ही अखिलेश यादव भी जनसभा करेंगे। तो कांग्रेस के गढ़ में आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुंकार भरते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ये सभी दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 6 तस्वीरें स्क्रीन पर, जहां प्रतापगढ़ में आपको बता दें चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमेठी में हुंकार भरते नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, फैजाबाद की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वही प्रयागराज और रायबरेली में अभिनेता सनी देओल का रोड शो है। बहराइच की बात करें तो गठबंधन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहराइच में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, व अमेठी में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी।